अंग्रेज की आवाज न्यूज में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खबरें। नासिर हुसैनी ने कहा, मेरा जनाजा उठाओ या डंपिंग ग्राउंड का कचरा, नहीं सहूंगा अल्पसंख्यक समाज पर गंदगी का बोझ। एडवोकेट नजीब शेख ने दिलाया दलित महिलाओं को न्याय, इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे हमेशा। सोनिया गांधी एसोसिएशन की ओर से संपन्न हुआ चर्म रोग का कैंप, डॉक्टर श्रद्धा सलामपुरिया ने दी अपनी सेवाएं। बाबा नासिर हुसैनी मजलूम गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए फिर से अपनी कब्र खुदवा के आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं। आपको पता है कि जैसे कि अकोला महानगर पालिका का एक डंपिंग ग्राउंड आकोटफैल नए गांव के एरिया में है, उसमें सारे अकोला महानगर पालिका का कचरा लाकर मजलूम मासूम गरीबों की छातियों पे उनकी आखिरी जो उनके शमशान भूमि है, उनका कब्रस्तान है, उसके करीब में लाके वहां डाल दिया जा रहा है। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने अपनी कमर फिर से कस ली है। आइए देखते हैं क्या मांगे है आपकी। ये नायगांव में जो डंपिंग ग्राउंड है इसको उठाओ, और इसके लिए कई लोगों ने आंदोलन किए, धरने दिए, कुपोषण के लिए बैठे। पिछले महीने 10 तारीख को मैं कुपोषण के लिए बैठा था, यहीं पे मैंने अपनी कब्र भी खुदवाया था, और महानगर पालिका से आयुक्त और सामाजिक कार्यकर्ता मुखी मेहमान शौकत अली शौकत और लोग पराग कांबड़े जी नगर सेवक, ये लोग आए, इन्होंने मुझे समझाया कि भाई एक महीने के अंदर यहाँ से हम डंपिंग ग्राउंड को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। महानगर पालिका के आयुक्त ने कहना यह था कि हम लोग अभी फिलहाल डंपिंग ग्राउंड की जगहों का सर्वे करके आए, वहाँ पे मौज माप किए, हमको दो चार दिन का टाइम दो, और हमने इन लोगों की बोलने की वजह से एक महीने का टाइम दिए थे, लेकिन एक महीने में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे और कचरा बढ़ना चालू हो गया। आपकी कोई मांगे महानगर पालिका ने नहीं मांगी पहले अनशन पे बैठे थे तो? जी, अभी अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से उठता नहीं, जब तक मैं अपना उपोषण तोड़ूंगा नहीं, अपना उपोषण पीछे नहीं लूंगा, अगर ये उपोषण करते करते मेरी मौत हो जाए तो मैंने अपनी कब्र बाजू में खोद के रखा, इस कब्र के अंदर मुझे दफन कर देना, और शहर में किसी भी चीज को किसी चीज का नुकसान ना हो, ये चीज को आप लोग सब ख्याल रखें। महानगर पालिका के अधिकारी ये लोग कब जगेंगे पता नहीं है। शेख ने दलित महिलाओं को दिलाया न्याय। कुछ दलित महिलाएं कई सालों से अकोला के सिविल हॉस्पिटल में काम कर रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये काम जाने की वजह से उन गरीब दलित महिलाओं का काम पे बन आई, जिससे नए ठेकेदार ने उन्हें इस काम पे से या कम पेमेंट पे रखने की वजह से यह निकाल दिया। या इनके आमरण उपोषण को महत्व देके सर ने जो है तो हम जो सामाजिक लोग हैं उनकी भी बात रखी, और इनके इनकी जो मांग थी कि जो सेविकाएं हैं इनको भी ठीक उसी तरह से प्राधान्य मिलना चाहिए जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर साहब ने दूसरे लोगों को लिया है। डेली वेजेस का जो अमाउंट है 50 रुपये वो ख़त्म करके एक नई प्रोसीजर से जो है तो इनको साहब ने नई जगह पे नए प्रवेश देने का जो है तो एक आगरा के आर्गुमेंट निकाल के इनको समाविष्ट करने का जो है तो साहब ने मान्य किया, इसके लिए मैं सर का आभारी हूँ। अभी सर, सोनिया गांधी एसोसिएशन की ओर से त्वचा रोग व उपचार शिविर अकोला में फुलारी गली के अंदर रखा गया था। आइए देखते हैं इसकी न्यूज। सोनिया गांधी एसोसिएशन की ओर से त्वचा व बाल रोग का कैंप फुलारी गली में रखा गया था। इसको ऑर्गेनाइज डॉक्टर अजहर परवेश खान साहब ने किया, खिजर अहमद खान साहब ने इसे सफल बनाया, और डॉक्टर श्रद्धा सलामपुरिया ने इसमें अपनी सेवाएं दी, और सभी लोगों ने इसका। तो ये थी अंग्रेज की आवाज न्यूज। अगर आप देश में एकता, भाईचारा और सच्चाई की न्यूज जानना पसंद करते हैं तो ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वरना झूठों का साथ देने के लिए तो सारी दुनिया बड़ी हुई है। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।